अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आपसे एक चीज पूछना था। जी भाई। कुछ पैसे हमारे पास हैं तो फिर क्या करें भाई? मैं सोचता हूँ कि उसमें अब मैं इंडिया जाऊँगा तो वहाँ कुछ कारोबार करने के लिए रखा है पैसे, या बच्चियों की शादी वगैरह के लिए रखा है पैसे हमने अपने, थोड़ा कुछ जमा किया अपनी तनख्वाह से निकाल करके, तो उसको क्या हम बैंक में डाल करके उसका जो थोड़ा जो फायदा होगा तो किसी गरीबों को दे सकते, इसके बारे में बता दीजिए। यह बेहतर है रखना उसमें बैंक में या नहीं घर पर ही रखना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए भाई मुझे। अम्माबाद इस सवाल में अंसारी साहब हैं हमारे साथी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि बैंक में रखूं या घर पर रखूं। दोस्त भाई मेरे अजीज, आप समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख सालेह अल फौज़ान, इन उलमा से, कबार उलमा और मशायख से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं इख्तिसार से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आप अपने पैसे बैंक में रख रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, फलाबास, फिर ऐसे सूरत में उन बैंकों में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनका कारोबार या वो सूदी निजाम के तहत बैंककारी कर रहे हैं। मेरा जरूरियात, ये वो चीजें हैं जो कि आजकल के जमाने में, मौजूदा दौर में बेहद जरूरी हैं। शेख सालेह अल फौज़ान ने फरमा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी हिफाजत के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, आजकल तो हर आदमी बैंक में रखता है, और बैंक में रखने की बुनियादी वजह क्या है सुने, खाफून अलैहिम मिनस्सरिका, तो आप और हम जब घर में रखेंगे मालदार मोल, जितनी भी आपकी कमाई है लोग आके उसे लेकर चले जाएंगे, चोरी करके चले जाएंगे, डाके डाल देंगे, अपने ही पराए भी। अगर आप उनके सूदी कारोबार में शरीक नहीं हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपको रखना चाहिए, बल्कि रिकमेंड कर रहे हैं शेख सालेह अल फौज़ान कि बैंकों में अकाउंट इसलिए खुलवा लें ताकि आप तहफ्फुज़ से रह सकें, कोई आदमी माल की वजह से आपके घर आकर आपकी जान और माल को नुकसान न पहुंचाए। इसकी जरूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकों में रखना ज्यादा पुरअमन है इससे कि आप घर में पैसे रखें, नंबर एक। नंबर दो, इन चूंकि सूदी कारोबार हमारे यहां हिंदुस्तान में बैंकें वो देती हैं, रिटर्न देती हैं, कुछ सूद पे देती हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो सूद की रकम है वो आप, शेख बिन बाज का भी फतवा है, शेख बिन बाज का फतवा ये है कि आप उसको गरीबों को भी दे सकते हैं, मिस्कीनों को भी दे सकते हैं, हत्ता के मदारिस और मसाजिद में भी उस पैसे का खर्च कर सकते हैं। शेख बिन बाज का मेरे चैनल पर फतवा मौजूद है। तो आप अगर गरीबों की मदद करना चाहें उस पैसे से, या उन उदारों की मदद करना चाहें उन पैसों से जो कि इस्लाम की नशर इशात में काम कर रहे हैं, तो यह बहुत खैर की बात होगी, क्योंकि आपका जो पैसा है वो शेख खालिद अल मसले हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने वो जो रकम आपकी बैंक से आपको मिल रही है ना सूद की रकम, अगर आप किसी को देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला इस पर अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा। बहुत से उलमा ये कहते हैं कि इस पर अजर नहीं है, लेकिन शेख खालिद अल मसले ये कहते हैं कि उस पर अजर इसलिए क्योंकि आप किसी के लिए नेकी कर रहे हैं, और हर नेकी का अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां जाया नहीं करता। तो किसी की काम आना, किसी बीमार की मदद कर देना, उसका इलाज करा देना, किसी बच्ची की शादी करा देना, किसी मोहताज को खड़ा कर देना, या किसी भी जरूरत के काम आ जाना, हत्ता कि मदारिस और मसाजिद में भी आप उस पैसे को दे सकते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से। मेरा फोन नंबर है 009-66-504-68-6317।